मोदी सरकार ने ओबीसी समाज को एक बार फिर से धोखा देते हुए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में बिना ओबीसी आरक्षण दिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। मेडिकल की पढ़ाई में दाखिले के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6 साल से केस पेंडिंग पड़ा है। मोदी सरकार ने इसी केस का बहाना बनाकर कह दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देता तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के अधिकारों से जुड़े केस के इतने लंबे वक्त से पेंडिंग रहने पर सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दिलीप मंडल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर सलोनी कुमारी बनाम डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और अन्य केस में जल्दी सुनवाई करने की मांग की है। आइए आपको बताते हैं कि दिलीप मंडल ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है। प्रिय मुख्य न्यायाधीश, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं रिट पिटीशन नंबर 596/2015 सलोनी कुमारी बनाम डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और अन्य केस में जल्द सुनवाई के बारे में लिख रहा हूं। ये याचिका 2015 से बिना किसी अंतरिम राहत के पेंडिंग पड़ी है। मैं साफ कर दूं कि मैं ना तो इस केस में पार्टी हूं और ना ही मुझे इस केस के फैसले से कोई व्यक्तिगत लाभ होगा। मामला मेडिकल की पढ़ाई में ऑल इंडिया कोटा के तहत सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के आरक्षण का है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कई बार सुनवाई की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भारत सरकार ने 13 जुलाई 2021 को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि सरकार नीट 2021 में ऑल इंडिया कोटा के तहत तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं देगी जब तक कोर्ट इस याचिका का फैसला न कर दे। इस केस की मेरिट और अन्य पहलुओं को छुए बिना मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि ऑल इंडिया कोटा में पहले से ही राज्यों और केंद्रीय संस्थानों में एससी एसटी और विकलांग कोटा लागू है। एससी एसटी को 31 जनवरी 2007 को अभय नाथ और अन्य बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आरक्षण मिल गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सुरक्षाएं मिली हैं, लेकिन फिर भी हर साल इन वर्गों के छात्रों की हजारों मेडिकल सीटों का नुकसान हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अभी भी सलोनी कुमारी केस में फैसला सुनाना है। ये बात मैं उक्त याचिका में पूर्व निर्धारित परिणाम की किसी उम्मीद के बिना कह रहा हूँ। न्यायालय के तथ्यात्मक अवरोधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मैंने और मेरे जैसे बहुत से लोगों ने ये पाया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़े मसलों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गैर जरूरी रूप से लटकाया जाता है, जिससे इन वर्गों के न सिर्फ न्याय तक समान पहुँच के संवैधानिक अधिकार समेत कई तरह की संवैधानिक सुरक्षाओं का उल्लंघन होता है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे तमाम केसों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें न्याय मिलने में देरी ना हो। मैंने ये भी देखा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुनवाई और परिणाम में कुछ मामलों की मिसाल मिलती है और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि सभी के लिए न्याय तक पहुँच में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाए ताकि कुछ लोग वंचित न हों। संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों और संविधान के तहत प्रदान किए गए न्याय के तंत्र को उनके लिए केवल औपचारिकता भर नहीं रहनी चाहिए। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दें कि महीने भर में रिट पिटीशन नंबर 596/2015 का निपटारा करें। दिलीप मंडल ने सीधे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ओबीसी समाज के हितों से जुड़े इस बेहद अहम केस में जल्द सुनवाई कर कोई फैसला देता है या फिर मामले को सालों साल लटकाने का धर्रा चलता रहेगा। आपका इस मामले में क्या सोचना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथियों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।